11 महीने के इंतजार के बाद टिकरी गाजीपुर बॉर्डर खोला जा रहा है। पिछले साल जब किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में टिकरी गाजीपुर सिंघू बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन क्या बॉर्डर खुलने से किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या किसान रुक जाएंगे? नहीं, बैरिकेड्स खोलना सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जा रहा है, लेकिन बॉर्डर खुलना क्या बीजेपी की जीत है? 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा था कि प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन किसान अनिश्चितकाल के लिए सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते। वैसे सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद खुद राकेश टिकैत भी सड़कों से तंबू झोपड़ी हटाते दिखे थे। लेकिन सिंघू बॉर्डर खुलने के आसार कम हैं, क्योंकि किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसान सिंघू बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं, और सिंघू बॉर्डर से किसान अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। ऐसे में सिंघू बॉर्डर खुल पाना मुश्किल है। लेकिन क्या बीजेपी बॉर्डर खुलवाने में कामयाब हुई है? इस सवाल का जवाब शायद नहीं में है, क्योंकि किसान हारे तो अभी भी नहीं। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बॉर्डर से हटने की सोची, और खुद राकेश टिकैत ने बॉर्डर पहुंचकर टेंट हटवाए। ऐसे में बीजेपी इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। लेकिन क्या आंदोलन अब नर्म पड़ेगा? क्या किसान वापस लौटेंगे? इस पर सवाल सबसे बड़ा है, और इस सवाल के बीच राकेश टिकैत के ऐलान कर चुके हैं कि किसान संसद में जाकर अपनी फसल बेचेगा, यानी कि किसान रुकने वाले नहीं हैं। और गाजीपुर बॉर्डर का खुलना इस बात के संकेत भी नहीं है कि किसान आंदोलन समय के साथ नर्म पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि किसान आंदोलन समय के साथ कोई नई करवट ले ले।